गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन, नहीं हो रही सुनवाई। गोंडा में लगातार कुछ दिनों से विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट में गोंडा देवीपाटन मंडल में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर के घोषणा की थी। गोंडा जिले के डोमा कल्पी में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर के जमीन भी चिन्हित कर ली गई थी। शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया था, लेकिन ऐसे में विश्वविद्यालय गोंडा स्थापना के बाद जैसे ही सामने आई कि पड़ोसी जिले बलरामपुर के लोगों ने भी बलरामपुर में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग तेज कर दी थी, जिसके बाद अब बलरामपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। ऐसे में गोंडा जिले में कई संगठन और पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और गोंडा में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर LBS महाविद्यालय गोंडा के पूर्व छात्र नेताओं द्वारा गांधी पार्क में प्रदर्शन करके पदयात्रा निकाली गई, जिसमें JP त्रिवेदी जी, अमर यादव जी, प्रमोद तिवारी, सिद्धार्थ शुक्ल जी सहित कई लोग शामिल रहे। सिद्धार्थ शुक्ला, ये कैसा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? ये धरना प्रदर्शन काफी दिनों से चल रहा है, आज हम लोगों ने भी इसकी शुरुआत की है। और गोंडा में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए सूबे के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो गोंडा के लिए घोषणा की थी, उसके बारे में ये जानकारी हुई कि ये विश्वविद्यालय बलरामपुर चला गया। तो हम लोगों की लाखों युवाओं, छात्र छात्राओं, अभिभावकों, समस्त गोंडा जनपद वासियों के सभी अभिभावकों के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो गोंडा को विश्वविद्यालय मिला था उस विश्वविद्यालय को गोंडा को दिया जाए। और हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री तक है और हम अपना विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री से लेकर रहे हैं। तो लड़ाई काफी दिन से लड़ रहे हैं, अब इसके बावजूद विश्वविद्यालय बलरामपुर में चला गया, तो क्या आप क्या क्या रोल होगा 2024 में, और इन जो जनप्रतिनिधियों पंडित हैं इनको क्या उपहार देंगे आप? उपहार दिया जा रहा है जो कि हम LBS से स्टूडेंट हैं, हमारा आंदोलन ऐतिहासिक होता है, ये पूरा जनता जानता है। और यहाँ पे ऐसा आंदोलन होगा कि गोंडा से लखनऊ तक ये जितने भी जनपद आते हैं तब याद रहेंगे इस आंदोलन को। गोंडा की मांग है, लेकिन आप लोग अलग अलग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह धरना प्रदर्शन एक में क्यों नहीं कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि ये लोगों की भ्रांतियां हैं कि अलग अलग चल रही है। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि अगर चार चिराग हैं तो वो चार दिशाओं में लगाना चाहिए, रखना चाहिए, चार जगह रोशनी करो। अभी ये ट्रेलर पिक्चर भी बाकी है, अभी लोगों के अंदर ये किसी धर्म समुदाय का नहीं, केवल छात्रों का आंदोलन नहीं है। आप देखते होंगे अभी विकास परस और विकास मंच के संगठन ने अपना जो समर्थन दिया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती आई थी उनका समर्थन हुआ, बहुत विकराल रूप लेने वाला है जिसकी कल्पना अभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। हल्के में ले रहे हैं, विश्वविद्यालय गोंडा में ही बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को डोमा कल्पी में जो विश्वविद्यालय हमारे सबके लिए आवंटित हुआ था उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया था, लेकिन पता नहीं किस कारणवश बलरामपुर में उसको भेज दिया गया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वही जनपद गोंडा है, ये वही जनपद गोंडा है जहाँ पे मंडल में चार जिले हैं, उसमें सातों विधानसभा सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को विधानसभा में भेजने का काम गोंडा जनपद के ही लोगों ने किया था। और किसी तीन जिलों में पूरे की पूरी सीटें नहीं मिली हैं BJP को, लेकिन मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ कि आपकी गोंडा की जनता की भावना को देखते हुए आप विश्वविद्यालय का निर्माण गोंडा में सुनिश्चित कराएं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जो लोग सांसद 1.5 लाख से जीते थे, हम गोंडावासी उनको 3 लाख से, और जो विधायक 20,000 से जीते उनको 40,000 से जिताकर भेजने का काम फिर से लोकसभा और विधानसभा में करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने गोंडा के लिए विश्वविद्यालय की घोषणा की, घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जी 2 बार गोंडा में आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन रहे, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि आप आवाज़ उठाएं, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे क्या उपहार देंगे अगर विश्वविद्यालय नहीं आ रहा? देखिए, अभी योजना बन रही थी इन संगठन, जो एक पीछे संगठन चल रहा है और हमारे संगठन जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे अगर विश्वविद्यालय नहीं आता है तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ हर संगठन के द्वारा चूड़ी दे दिया जाएगा। जब आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं, जनता के हितों में आप खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारे संगठन के साथ आंदोलन में आ नहीं सकते, तो आपकी ज़रूरत क्या है? उनको चूड़ी भेजी जाएगी। बहुत विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं करवा पा रहे हैं, बहुत ही उदासीनता है और बहुत ही दुखद है। ये गोंडा जनपद का दुर्भाग्य है कि हमको ऐसे इतने लोग जनप्रतिनिधि मिले हैं। बड़े ही शर्म की बात है, प्रमोद दरबार छात्र नेता, बड़े ही शर्म की बात है कि हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने
और अभी मैंने ये भी सुना है कि हमारे गोंडा में जमीन का चयन हुआ था वो भी फ्री में, और बलरामपुर में जमीन खरीदने के लिए 16 करोड़ रुपए। अब आप ये बताइए, हमारा यही हुआ कि आपके सामने थाली दे रख दिया गया, आपको खाने के लिए बुलाया गया और आपको सामने से थाली आपके हटा ली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोंडा को विश्वविद्यालय दिया था, यहाँ के छात्रों से ज़्यादा छात्राओं में खुशियाँ थी, क्योंकि हमारी बहन बेटियाँ गोंडा जनपद की जितनी भी बहन बेटियाँ हैं वो यहीं दूर ना जा करके, क्योंकि कहीं ना कहीं डर लगा रहता है उनके गार्जियन को कि हमारी बेटियां बाहर जाएंगी तो कहीं ना कहीं अनहोनी हो सकती है, उनको एक अच्छी शिक्षा मिल जाती। अगर लड़कियां पढ़ जाती तो दो घरों को सजाती, ये बहुत ही खुशी की बात थी। लेकिन हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन हैं, जो घर घर जाकर के इन लोगों से वोट मांगने का काम करते हैं। ये अगर विश्वविद्यालय नहीं बना तो अपना किस मुंह लेकर के जाएंगे कि हमने आपके लिए आवाज उठाई थी, विश्वविद्यालय के लिए मैंने आप मुख्यमंत्री जी से पैरवी किया, आवाज उठाया। अगर मुख्यमंत्री जी ने दिया तो इन लोगों को कहना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आप गोंडा को विश्वविद्यालय दिए थे और गोंडा को ही प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि मंडल मुख्यालय गोंडा है और गोंडा पे विश्वविद्यालय बनना चाहिए। हमारा ये सारे प्रतिनिधियों से अनुरोध है, अगर वो इस पे अमल नहीं करते हैं, अगर उनका ये अमल नहीं हुआ तो हम उनको बहिष्कार करेंगे कि 2024 में कमल का हम लोग बहिष्कार कर देंगे।